धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है, जो कि माखन और मिश्री होता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया और तथा प्रसाद भी ग्रहण किया। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत ये है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुत्थी हुई प्रतीत होती हैं। वहीं बता दें, निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट और दुपत के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बाके बिहारी जी का स्थल, राधा रानी बंशी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है, उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है, ताकि वो इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहां से चले जाते हैं और परिसर से मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहां जो भी रात को रुक जाते हैं वो संस्कारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियां परिसर में ही बनी हुई हैं। इसी के साथ गाइड ये भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं, वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। वहीं बता दें कि वास्तु गुरु कुलदीप सालूजा बताते हैं कि सच तो ये है कि निधिवन का वास्तु ही कुछ ऐसा है जिसके कारण ये स्थान रहस्यमय सा लगता है और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थ के खातिर इस भ्रम तथा छल को फैलाने में वहाँ के पंडे पुजारी और गाइड लगे हुए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन राधा कृष्ण के विश्राम के स्थान को हमेशा उथल पुथल देखा जाता है। ऐसी ही अद्भुत खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।